का थोड़ा सा खांसी थी जी, मामूली ही थोड़ी छाती में शिकायत थी जी सर्दी का। तो फिर वो बड़ा भाई है जी, उसका लड़का था जी, गांव में डॉक्टर था जी सुभाष जी, वो उस पर ले गए जी दिखाने के लिए। तो इसने बोला जी कि दवा दे दो, दवा तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने टिक्का लगा दिया जिसके ऊपर, तरह दो इंजेक्शन लगा दिए। तो दो इंजेक्शन लगाने के बाद जी वो बच्चा बोला जी मेरे शरीर में खारिश होने लगी जी। तो सुबह डॉक्टर ने फिर तीसरा लगाया जी साथ में जी, वो फिर तीसरा लगाते जी दो तीन मिनट के बाद जी बिल्कुल लड़का ठंडा गया जी, होश नहीं आया जी बिल्कुल भी। फिर और हॉस्पिटल में ले गया जी, डॉक्टर ही ले गया जी, बड़े भाई ने बैठाया जी पीछे मोटरसाइकिल पे। तो वहाँ फिर एक्सपायर घोषित कर दिया जी। तो बड़ा वो भाई था जो डॉक्टर साहब ने उसको मोटरसाइकिल पर बैठाया और उसकी गोदी में लड़का दे के पीछे बैठा दिया। और फिर गांव में आके लड़कों को वहाँ ले आ गया जी, और डॉक्टर फरार हो गया जी, वहाँ रुके भी नहीं एक मिनट भी। क्या कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सात बजे के करीब हमारे पास एक बच्चा आया अंकित नाम करके बरसालू से, जो ब्रॉड डेड था। उसके पेरेंट्स उनके साथ थे, उनका कहना था कि उसको सांस की प्रॉब्लम थी और वो किसी आरएमपी पे गए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया और उससे उसकी मौत हो गई। बॉडी को हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए। वो 11 साल का बच्चा गाँव बरसालू से यहाँ हॉस्पिटल ले आ गया था, उसको इन्फेक्शन था और उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंची, उसको ब्रेड रोड का रुका पहुंचा, तो हम यहाँ आके इंक्वायरी की और उसके घरवालों का बयान लिखा है। घरवालों ने बताया कि भी इसको प्राइवेट डॉक्टर से दिखाया गया था, उसकी लापरवाही की वजह से इसकी डेथ हुई है। तो उसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उसके बाद CMO की जाँच के बाद डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।